हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज स्टडी करते हैं इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम का लास्ट पार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज़ कौन थे? कैप्टन हॉकिंग्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी? लाल पत्थर। ऑप्शन ए लाल पत्थर थी उस समय। भारत के पश्चिमी घाट में निम्न में से कौन से स्थान में एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी? केन्नोर। ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से क्या तात्पर्य है? नील के उत्पादनकर्ता को कहा जाता था ब्रिटिश मुक्त व्यापारी, क्योंकि उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ब्रिटिश इनसे सारा नील ले जाते थे। निम्न में से कौन सा एक विशुद्ध संप्रदायी आंदोलन था, जो पूरी तरह से कम्युनल मूवमेंट थी, संप्रदाय आधारित थी, वो कौन सा था? बहावी आंदोलन। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग का स्थापना वर्ष क्या था? 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 161, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत घोषित चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 7 राज्यों में जीत हासिल की थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कब घोषित किया गया था? यह घोषित किया गया था 1946 में। भारतीय संविधान कौन से भाग में मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है? यह होती है मौलिक कर्तव्य में। इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य। जो प्रोविजनल आंसर की थी उसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यह आंसर दिया गया था, जो कि गलत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य में मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने नागरिकता खो सकता है इन सभी के द्वारा, समापन द्वारा भी, परित्याग द्वारा भी, वंचन द्वारा भी, इन सभी के द्वारा वह अपनी नागरिकता को खो सकता है। क्वेश्चन नंबर 165, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की दूसरी बैठक कब हुई, किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं। पहले इसका आंसर दिया गया था प्रोविजनल की में 1997, जो कि गलत है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1992 में तो इंडोनेशिया में हुई थी इसकी बैठक, और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन में ग्रेस मार्क दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 167, कांग्रेस को उसका पहला झंडा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट, और साथ में इसका ऑप्शन बी भी है, बाल गंगा। ये ऑप्शन है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर वो फ्लैग बनाया था। तो इसके ऑप्शन दोनों ठीक हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 168, किस वायसराय के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? इसका ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड कैनिंग के समय में किए गए थे ये उच्च न्यायालय स्थापित। भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? सबसे आधुनिक ट्रेड यूनियन थी मद्रास लेबर यूनियन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कौन सी थी आधुनिक ट्रेड यूनियन? मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन डी। मोहम्मद अली जिन्ना -- तक कांग्रेस के लीडर रहे थे, कब तक रहे थे कांग्रेस के लीडर? 1920 तक, ऑप्शन बी 1920 तक। तो ये था इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।